बता दो भाई कैसा लग रहा हूँ मैं, आप लोग सबसे पहले तो ये बताओ कैसा लग रहा हूँ। और हाँ ये सुनो, मैं बताना तो भूल गया, नाश्ता नहीं किया, नाश्ता भी बलूचिस्तान में होगा हमारा। तो आप लोगों ने देख ली तस्वीर की, तस्वीर पे किस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है बकायदा कि जो है वो ग्वादर टू कराची और ये टेलिन कंपनी ने ब्राउट किया है। तो गाइस ऐसा कोई सीन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ रेडी हो गए, और ये जो न्यूज़ मिली है और इसको हमें आज जो है वो एक्सपोज करना है कि इस तरह की न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए। अब हम जाते हैं और जाके रियलिटी चेक करते हैं, रियलिटी चेक करने के बाद आपको बताते हैं कि क्या रियलिटी है, हकीकत क्या है, क्या लोग बोल रहे हैं और क्या हकीकत में चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं वहाँ पर। तो प्लान कम्प्लीट हो गया, डन हो गया, रेडी हो गए, बस तो बस निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, और वहाँ पहुँच कर आपको इंशाल्लाह बताते हैं। अभी फ़िलहाल तो भूख लग रही है टाइड वाली, लेकिन ये है कि अभी हमारे दोस्त भी आ जाएंगे, तो बस फिर उनके आते ही फिर हम निकलते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको रास्ते में मिलते हैं और बताते हैं क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से हो रही हैं। तो इससे विद मी, और हमेशा की तरह एक बात कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और इस तरह की मोर वीडियोस मैं बनाता रहूँगा कि जहाँ मुझे लगेगा कि भाई इस तरह से कोई ऐसी न्यूज़ फैल रही है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको कवर करूँ और आप लोग तक पहुँचाऊँ। तो कीप सब्सक्राइब और डो नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन ऑल्सो। तो स्टे ट्यून, चलता है। एक तो हो गया अर्जेंट प्रोग्राम, दूसरा घर से निकलते वक्त की सारी सिचुएशन देख ली कि सही से जो है ना वो मुँह भी नहीं धोया, बस ऐसे ही निकल गए। अब जा क्रूज शिप देखने जा रहे हैं अचानक से, और चलते में अगर आपका रास्ते में चश्मा टूट जाए तो क्या करेंगे। और फिर आपके साथ जो खूबसूरत दोस्त हों उनके साथ मसले ये होंगे, हर चीज़ में जो है ना कोई बैक टू बैक जो है वो सिचुएशंस चेंज होती हैं हमारे, आपने हर दफ़ा देखा है। तो अभी की सिचुएशन ये है कि फ़िलहाल हम रुके हैं सदर मार्केट में, ये आपको नज़र आ रही होगी चश्मे की शॉप्स। तो हमारे दोस्त का हो गया चश्मा ब्रेक, अचानक से चलते चलते वो हेलमेट पहन रहे थे और उसमें हो गया उनका चश्मा ब्रेक। तो अब चश्मा सही करवाने के लिए रुके। अब मज़ा इसलिए भी ज़्यादा आता है अपने दोस्तों के साथ ट्रिप करने में मुझे, कि अब चश्मा ब्रेक हो गया तो अब चश्मा ब्रेक होने के बाद याद आया कि भाई वो पैसे नहीं निकले। तो अब भाई गए एटीएम और आइस वगैरह टेस्ट करा ली हैं दोबारा से, ना रीटेस्टिंग हो गई है। अब ये इनका जो है वो सिलसिला चल रहा है अभी, तो अब चश्मा बनेगा, चश्मा बनेगा तो फिर क्रूज शिप नज़र आएगा, वरना तो नज़र नहीं आएगा, आपको पता ये बातें। तो इस तरह के जो ट्रिप्स होते हैं उनमें मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी हम बनवाएंगे चश्मा, और चश्मा बनवाने के बाद देखते हैं कि भाई को कितना नज़र आता है, ज़्यादा नज़र आना चाहिए वरना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मिस हो जाएंगी। और इस वक्त खड़े में सदर मार्केट में, तो आप चश्मा वश्मा बनवा लें, एटीएम खाली कर आ जाएँ हमारे दोस्त, तो फिर आगे चलते हैं। और क्या मिलता है वहाँ पर अभी तो कुछ नहीं पता, आधी नींद में हूँ मैं फ़िलहाल अभी तक, और देर हो गई है बहुत ज़्यादा, और शाम से पहले वापस भी आना है। तो देखते हैं अब चश्मा कितनी देर में बनता है और कितनी देर में हम पहुँचते हैं लोकेशन पर। तो स्टे ट्यून, वेट करो। और हाँ ये सुनो, मैं बताना तो भूल गया, नाश्ता नहीं किया, नाश्ता भी बलूचिस्तान में होगा हमारा। भाई फाइनली भाई को आ गया थोड़ा सा ख्याल, भाई जब गए थे एटीएम तो वापसी में ना समोसे वमोसे लेकर आए, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ खा भी लूं और जो है ना वो वरना मैंने सोचा था कि आज जो है वो जो मुझे बलूचिस्तान में दोबारा नाश्ता करवाएंगे, दाम बलूचिस्तान ही आए थे अचानक से, मुझे दाम ले गए थे, तो मैंने ये सोचा कि ये आज भी जो है मुझे दाम पर ही जाके या बलूचिस्तान में जाके ही नाश्ता करवाएंगे। बट फिलहाल चलते हैं इनका चश्मा देखते हैं किस तरह जोड़ रहा है। ये देखिए हम निकले, और अगर हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फिलहाल अजान हो रही है, बात करना। हाँ तो भाई कैसा लग रहा हूँ मैं, आप लोग सबसे पहले तो ये बताओ कैसा लग रहा हूँ।
और सेकंड चीज़ ये है कि अब फिलहाल जो है वो इनका चश्मा भी रेडी हो रहा है और वो अच्छा लग रहा हूँ, तो चश्मा भी साले भाई का रेडी हो रहा है और कुछ भी आए तो अच्छा। ये जो पहना हुआ ना ये भी चश्मा है, मतलब ये आपको ये आपको पता होना चाहिए कि ये फिल्टर नहीं है, ये चश्मा है। और साथ साथ मुझे जो है ना इसमें आप 4-5-6 नज़र आ रहे हो एक साथ, तो 3-4 जगह से नज़र आ रहे हो, 3-4 मोबाइल मुझे नज़र आ रहे हैं इस समय जब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो होप कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। लेकिन फिलहाल सवाल है कि चश्मा कौन सा चेंज हो रहा है। एक तो ये चौड़े बहुत हैं, एकदम ऊपर से आते हैं, मैंने सोचा था खैर ये स्टिक चेंज करवाएंगे, लेकिन ये जो है ना चश्मा ही नया ले रहे हैं, बहुत बहुत ऊँची पार्टी है भाई बहुत। तो अभी जो है ये अंकल है जो इस वक्त ये जावेद भाई हैं, ये इनकी जो दुकान है वो है सदर में, हम पिछले 10 साल क्लाइंट है जावेद भाई, ये जो है ना 10 साल से क्लाइंट है, मैं तो चश्मा पहनता नहीं हूँ लेकिन ये इनका 10 साल से क्लाइंट है और काफ़ी ज़्यादा फिलहाल रीज़नेबल प्राइस वगैरह में ये देते हैं, तो इनकी भी मार्केटिंग हो जाएगी अगर आप लोग कभी आना हो तो। ये एड्रेस क्या है? इंपीरियल ट्रेडिंग आइकॉन। अच्छा इंपीरियल ट्रेडिंग आइकॉन है ये लाइट हाउस में, तो जावेद भाई के पास आएँ अपने ग्लासेस वगैरह भी बनवाएं, और मैंने आपको दिखाया वैरायटी इनके पास, आप देख लो ग्लास और अभी ये दूसरा चश्मा बनवा लें फिर ये देखते हैं। सारे भाई को जो ना जगह नया चश्मा बना रहे हैं, एक पता हो रही है, और ये इनके पहले आज दिन के पहले कहा कि इनके सुबह सुबह तोड़ा इन्होंने, तो अभी कैसे लग रही है तो मुझे नहीं पता, बेहतर लग रहा है, पहले बेहतर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है फिलहाल। और जावेद भाई ने चाय भी मंगवा ली हमारे लिए, चाय पीते हैं, और इनका ये वाला प्लान है मेरा लेने का, लेकिन ये महंगा बहुत है, 4,000 रुपये का दे रहे हैं, इसलिए मैं ले नहीं। तो बस चश्मा हो गया रेडी, चाय हम पियेंगे इनके साथ और फिर उसके बाद हम निकलेंगे अपना आगे टूर पर, तो मज़ीद जो है ना वो क्रूज़ वगैरह हम वहीं जाके बताएंगे कि आगे हमें क्या मिलता है, क्रूज़ मिलता है नहीं मिलता, जो भी है सवाल भाई की जो आज की काविशें हैं वो रंग लाती हैं नहीं लाती हैं वो देखते हैं। रास्ते में भाई चलते चलते जो है ना वो अब यहाँ से निकलो किमाड़ी से और रहमान की बिरयानी ना खाओ, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ना मतलब के ब्लॉग में कुछ फूड वूड का भी सेटअप होना चाहिए ना, तो अब रहमान की बिरयानी अगर नहीं खाओ यहाँ से निकलते वक्त तो फिर बेकार है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो रुक गए हैं हम यहाँ रहमान बिरयानी सेंटर, अब जब सोच लिया कि खाना खाते भी जाएंगे तो खाना यहाँ से फिर खाते भी जाएंगे, या तो उसे ले लेंगे थोड़ा सा पार्सल थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो अभी रहमान की बिरयानी चल रही है और बिरयानी मैंने खाकर फिर चल जाएंगे। शिप ब्रेकिंग यार्ड तक हम पहुंचने वाले हैं और होप के जो चीज़ हम यहाँ देखते हैं फाइनली वी आर हियर और ब्रेकिंग यार्ड तक तो हम पहुंच गए इस वक्त। क्रूज शिप ऑलमोस्ट नज़र तो आ गई है हमें और चलो आगे देखते हैं, चलो आगे चले। पहुंच गया हूं, आ रहा हूं जरा माइक चेक लेके रेडी करते हैं फिर इंशाल्लाह आपको आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइज़ आर फाइन। जैसे कि आपने देखा कि आज का हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ था, अचानक से हमारे दोस्त आए और आने के बाद जो भी सिलसिला आपने देखा वो सारे सिलसिले अब तक, चश्मा टूटा पहला सीन, फिर जो है बिरयानी वगैरह हम लोग लेकर आ गए साथ, वहाँ प्लान बनाया था कि खाएंगे लेकिन वहाँ पे हम नहीं खा सके। अब सादा सिनेरियो क्या है कि बेसिक आज का आने का अचानक से रीज़न बना क्या,
आज का जो आने का रीज़न था वो ये था कि जैसे कि आपने एक न्यूज़ देखी होगी फेसबुक पर, जगह जगह लोगों ने एक फेक न्यूज़ फैला दी कोस्टा रोमांटिका। अब कोस्टा रोमांटिका क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक जहाज़ आया जो शिप ब्रेकिंग यार्ड पे इस वक्त खड़ा हुआ है और वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे। वो जो पीछे जहाज़ नज़र आ रहा है वो इस वक्त कोस्टा रोमांटिका है जो एटलीस्ट कम से कम 14 फ्लोर है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वीडियो बनाने का रीज़न क्या बना मेरा वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि यार इस तरह से आप लोग अपनी थोड़ी सी फेम हासिल करने के लिए और अजीब अजीब सी न्यूज़ फैला देते हो। और एक तस्वीर फेसबुक पर मैंने देखी, उस पर लिखा हुआ था कि जो है ये ग्वादर टू कराची, कराची टू ग्वादर जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कोस्टा रोमांटिका। बेसिकली ये आया है यहाँ पर शिप ब्रेकिंग यार्ड पे और इस वक्त मैं बैठा हूँ गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पे। यहाँ पे अभी मैं आपको बहुत सारी अंदर जाके वीडियोज़ वगैरह दिखाता हूँ कि किस तरह से जहाज़ यहाँ पे कट रहे हैं, टूट रहे हैं। और ये दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है ये जगह और यहाँ पे दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक से जो है वो जहाज़ आते हैं कटने के लिए और डिस्ट्रॉय होने के लिए। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इसका जो स्क्रैप है वो यूज़ भी होता है हमारे पास भी और बाहर भी जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मेरा आज की वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ ये था कि एक तो पाकिस्तान टूर से आने के बाद अब तक कोई राइड मैंने नहीं की थी ढंग से और हमारे दोस्त जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल जो है ना अर्जेंट प्लान बनाते हुए इस न्यूज़ को उन्होंने कहा कि इसने जितना जल्द से जल्द हो सके इस न्यूज़ को तुम ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को पता चले और लोग इस तरह की बदगुमानियों से बचें जो इस तरह की फेक न्यूज़ हैं। तो ऐसी बदगुमानियों से बचने के लिए बस मेरा आज का ब्लॉग इसी टॉपिक पर है कि कोस्टा रोमांटिका बेसिकली शिप ब्रेकिंग यार्ड पे ब्रेक होने आया है, कटेगा, डिस्ट्रॉय होगा इस तमाम चीज़ों के लिए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रूज शिप है और दुनिया में इस तरह की क्रूज शिप काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन ये एक इटालियन कंपनी के नाम से जो है ना इन लोगों ने यहाँ पर इसको कहा कि फेसबुक पर लिखा हुआ मैंने बाकायदा पढ़ा। मैं आपको तस्वीर भी शेयर करता हूँ, आप तस्वीर देखें पहले। तो आप लोगों ने देख ली तस्वीर की, ये तस्वीर पे किस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है बकायदा कि जो है वो ग्वादर टू कराची और ये इटालियन कंपनी ने ब्राउट किया है। तो गाइज ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इस तरह की फेक न्यूज़ यार नहीं फैलाओ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह के काम ना करो भाइयों। और तुम्हें तो 2 मिनट का फेम मिल जाएगा लेकिन जो है वो दुनिया भर में बदनामी होती है हमारे मुल्क की, हमारे लोगों की। तो ऐसा ना करो, तुम सबसे बहुत इल्तिजा है मेरी कि भाई इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितने पैसे कमा लोगे तुम यार इस तरह की न्यूज़ अपडेट करने से। यहाँ लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना ट्रैवलर ब्लॉगर हैं हमारे साथ हैं, जो ट्रैवलर हैं, जो ब्लॉग्स करते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स करते हैं, मोटो ब्लॉग्स करते हैं, उनके व्यूज़ नहीं आते लेकिन वो आप लोगों को कोई फेक न्यूज़ नहीं दिखा रहे होते। और ये सोशल मीडिया यार प्लीज़ स्टॉप इट यार, स्टॉप दीज काइंड ऑफ शिट यार, इस तरह की चीज़ों को स्टॉप करो ताकि हमारा मुल्क बदनाम ना हो, हमारा और ज़्यादा जो एक बैड इमेज दुनिया में फैल रहा है वो ना फैले। तो इस तरह अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो पाकिस्तान में इस तरह कोई क्रूज शिप नहीं है और हमें भी जस्तजू थी कि हम जाके क्रूज शिप देखें। तो अभी न्यूज़ के हिसाब से तो मेरा यही था कि भाई ये न्यूज़ ये है, तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तुम्हें नज़र आ रहा होगा ये खड़ा हुआ है। अब प्लान ये है कि थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाएं ज़रा, आप देख रहे हो कि ये इस वक्त जो जूम इमेज है ये क्रूज़ शिप का ही है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इस वक्त शिप ब्रेकिंग यार्ड पर। तो भाइयों सीन ये है कि मैं अभी कोशिश करता हूँ कि मैं उस जगह तक पहुँच सकूँ, तकरीबन वो आधा किलोमीटर मुझसे दूर है और मैं इस वक्त एक हिल पे बैठा हूँ और यहाँ पे हवा बहुत तेज़ हो सकता है कि विंड प्रेशर भी आपको थोड़ा सुनाई में आ रहा हो। तो विंड प्रेशर की वजह से आई एम सॉरी क्योंकि मैंने माइक वगैरह कोई चीज़ नहीं लगाई है, हम लोग का अचानक प्लान बना था, हम अचानक शूट कराएँ। और अभी मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वहाँ से करीब जाके भी वो जहाज़ दिखा सकूँ। तो चलते हैं करीब, अगर हमें मौका मिल गया तो ज़रूर दिखाऊंगा, वरना तो फिर खाना वाना खाएंगे और फिर अपने थोड़ा सा एंजॉय वगैरह करेंगे और फिर घर चलेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही और चलते हैं क्रूज शिप के पास। इस वक्त आप देख रहे हैं कि स्पीड बोट जो है वो समंदर में चल रही है और वो रुक गई है भाई, हमारे बोलते ही रुक गई। और ये इस वक्त ये क्रूज शिप आपको नज़र आ रहा है भाई, यहाँ जाने की पूरी कोशिश करेगा, अगर मौका मिल गया तो आपको ज़रूर वहाँ तक जाके दिखाऊंगा करीब करीब से भी। और चलते हैं ट्राई मारते हैं, अगर उन्होंने जाने दिया ठीक है, वैसे घर में तो मंदिर है ना बहुत।
फाइनली जो न्यूज़ देनी थी वो मैंने दे दी, और न्यूज़ देने के बाद जो है वो अब थोड़ा सा मैंने बोला अपना भी इन्जॉयमेंट कर लूँ। आपने व्यू देखा बाहर से, व्यू कितना ज़बरदस्त आ रहा है इस तरफ, और अब चलते हैं थोड़ा नीचे की जाने। रुक जाओ, अगर गिर जाऊँ तो वीडियो में काट दूंगा क्योंकि बहुत स्लिपरी हो रहा है, तो अगर मैं गिर गया तो काट दूंगा, दिखाऊंगा नहीं। बचत हुई तो फिलहाल जो है वो अभी आ गए हैं हम इस वक्त सी साइड पर, और मंजर बहुत ही कोई क्लास हो रहा है, मज़ा आ रहा है। अचानक से सडन प्लान के मकसद ही कुछ और होते हैं, मतलब मज़े ही कुछ और होते हैं। अगर वो सोच सोच के आओ कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो कुछ होता नहीं है, तो सडनली जो भी प्लान बनता है उसका मज़ा ही अलग होता है। और मैं आपको दिखाऊं अगर अभी इस वक्त मैं कहाँ हूँ, तो ये देखो वो रहा जो मैं आपको बता रहा था, जिसको मैं जिसकी न्यूज़ में देने आया था कि यहाँ पर ये इस वक्त खड़ा हुआ है इस तरफ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने सबने सुन लिया, अब सिर्फ आप जगह के मज़े ले लो। जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, बीच आप देख सकते हो, और ऐसे कोने में जो है ना वो बड़े अच्छे अच्छे से रिंग साइड बने हुए, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मनाजिर हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यार, और अब तक जो है ना वो जो पाकिस्तान टूर से मैंने आपको बताया, जैसे आने के बाद अब तक मैं नहीं निकला था, तो अब निकला हूँ, आज निकला हूँ, और ये सब जो है वो अचानक होता है। पानी नहीं आना चाहिए मेरे पास, तो मज़ा आ रहा है फिलहाल। और अच्छी बातें ये हैं कि जगह बहुत खूबसूरत है, बीच के साथ साथ जो जगह है ना वो माउंटेन या इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और ज़रूर आओ इस जगह पर। और कोई यहाँ पर कोई ऐसी वो चीज़ें नहीं है कि यार आप नहीं आ सकते हो या आप नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मंजर बड़े खूबसूरत हैं। और इस वक्त जो है ना वो आपको ऊपर देखें वॉइस कुछ नज़र आ रहे होंगे, ये आई थिंक घूमने आए हैं ये भी हमारी ना। और साथ साथ जो है ना मैं आपको थोड़ा सा शिप ब्रेकिंग यार्ड के करीब जाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि अगर हम जा सकते हैं तो। हाँ 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 भाई, बहुत से लोग यार क्या बताऊँ, तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं बताने की होती ही नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं जो बतानी पड़ जाती हैं, तो मज़ा आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है यार, ज़रूर कमेंट्स किया करो, ज़रूर बताया करो कमेंट्स करके कि आप लोगों को ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और इसमें क्या चीज़ एडिट हो सकती है। मुझे अभी ये करंटली न्यूज़ आई तो मैंने बोला इससे पहले कि ये फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल जाए तो मैं इसको कवर कर सकता हूँ अगर, तो अपने तबस्सुम से मैंने कवर करने की कोशिश की, और हो गई तो ठीक, नहीं कवर हुई तो पता नहीं आप लोग ही बताओगे। देखो मैं स्लोली स्लोली जो है वो नियरेस्ट पहुँच चुका हूँ, इतना ज़्यादा आगे इतनी जा सकते क्योंकि इससे पहले जहाज़ लगा हुआ है और उस जहाज़ ने उसको ओवरलैप किया हुआ है, तो ये एक जहाज़ के पीछे लगा हुआ है, और ये आप देख रहे हो। मैं आपको थोड़ा सा बैक कैमरे से व्यू दिखाता हूँ क्योंकि इसमें जो है वो मैं बहुत ज़्यादा ब्लर आ रहा हूँ। तो समंदर समंदर में किनारा तू वाली कहानी है, और यार क्या बताऊँ, मैं आपको थोड़े से ऐसे मंजर दिखाता हूँ जो बड़े दिलकश हैं, बड़े दिलकश मंजर हैं यहाँ पर समंदर के, इश्क समंदर, समझ गए ना तुम तो चलते हैं। तो बेसिकली ना हमने एक खोपचा ढूंढ लिया खानवाला सही पर बैठ के, जो है ना वो वहाँ की जो बिरयानी है ना वो यहाँ बैठकर खाएंगे खोपचे में, और ये जगह बहुत ही दिलकश जगह है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है जगह तो। लेकिन जो है ना वो हमारा प्लान ये है कि यहाँ ये कोई भाई आया था, भाई क्या लिख कर गया, पुलिस पुलिस लिखा हुआ है, आप बस जगह चेक करो, जगह नेक नियति से चेक करो, मतलब नेक नियति से चेक करनी चाहिए। बड़ी जो है ना कोई खूबसूरत चट्टान है, और चट्टान के अंदर कुछ पड़ा हुआ तो होगा, खैर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, कुछ डोर वोर रखी हुई है कोई बड़ी सी एक, और बड़ी खूबसूरत चट्टान है। और हमारा प्लान यही है कि अब हम यहीं खाना खाएंगे, ये देखने मंजर, और ये कोई लिख कर गया कुछ, चलो आ जाओ अब हम खाना खाते हैं यहाँ पर। आप लोगों ने देख लिया, सारी बातें सुन ली, सब न्यूज़ के बारे में सुन लिया, सब चीज़ें जगह देख ली, जगह बहुत प्यारी थी। वैसे ही नॉर्मली विजिट करने आए, ज़रूरी नहीं है शिपिंग वगैरह देखने आए, वैसे विजिट करने आए। और अगर आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मजीद वीडियोज़ और मजीद चीज़ें देखने के लिए। तो आज के ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई तमाम चीज़ों के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़।